नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के दौरे पर दौरा किया, जहां उन्होंने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हेमंत सोरेन पीएम मोदी से 1,00,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे थे, मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिए। शाह ने तंज कसते हुए कहा कि जिस कांग्रेस और लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे हैं, उनकी यूपीए सरकार ने 2004 से 14 तक झारखंड को 10 साल में 84,000 करोड़ का वादा किया था देने का। पीएम मोदी ने 2014 से 24 के बीच 3,08,000 करोड़ रुपया झारखंड को देने का काम किया। साथ ही शाह ने कहा कि झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। वहीं अमित शाह ने कांग्रेस पर भी तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपने वादे पूरे करने में फेल रही है। इसके साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि आदिवासी समुदाय यूसीसी से बाहर रहेंगे। बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। झारखंड के विकास के लिए सरकार चाहे किसी की भी रही हो, मोदी सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। अभी अभी हेमंत जी का एक भाषण देखकर मुझे हंसी आती थी, वो मोदी जी से 1,00,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे थे। हेमंत बाबू, मैं हिसाब लेकर आया हूं, अगर हिम्मत है तो इसका जवाब झारखंड की जनता को दीजिएगा। जिस कांग्रेस की गोदी में आप बैठे, जिस लालू प्रसाद की गोदी में आप बैठे, यूपीए की सरकार थी 2004 से 14 तक, यूपीए सरकार ने डिवोल्यूशन फंड और ग्रांट इन एड के माध्यम से झारखंड को 10 साल में कितना रुपया दिया, आप आंकड़ा जारी करिए। मुझे मालूम है कि आप आंकड़ा जारी नहीं करोगे, इसलिए मैं ही कर देता हूं। 10 साल में झारखंड को सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया देने का काम यूपीए सरकार ने 2004 से 14 के बीच में किया और मोदी जी ने 2014 के से 24 के बीच में 84,000 करोड़ के सामने 3,08,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम। जवाब आपको देना है हेमंत सोरेन जी, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना है। ये 3,80,000 करोड़ के अलावे 81,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15,000 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए और 65,000 करोड़ रुपया रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली सीएम आतिशी ने बीजेपी को बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में एलजी को बस मार्शल की फाइल भेजेंगे। पूरे देश बीजेपी शासित राज्यों में कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों की हालात खराब है। आम आदमी पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जिसने 2 साल में एमसीडी के 10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर लगे सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर और कई बड़े हमले किए। देश भर में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों में कहीं पर भी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आप उनके हालात देखिए।
राजस्थान में 1,10,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, मध्य प्रदेश में 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, छत्तीसगढ़ में 45,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, उत्तर प्रदेश में 2,00,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, और इन सब राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा तो वादा किया इन संविदा कर्मियों को, वादा किया इन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को कि हम तुम्हें पक्का करेंगे, हमें वोट दे के भेज दो बस एक बार। आज देखने जाइए क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में इन संविदा कर्मियों को पक्का किया, क्या नहीं किया? क्या यूपी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को पक्का किया, नहीं किया? क्या छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव में वादा करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को पक्का किया, नहीं किया? ना यूपी में किया, ना राजस्थान में किया, ना मध्य प्रदेश में किया, ना छत्तीसगढ़ में किया। अगर पूरे देश में कोई एक पार्टी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम किया है, तो वो आम आदमी पार्टी है। चाहे एमसीडी हो, जहां पर पिछले 2 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को पक्का किया है, अपने चुनावी वादे को पूरा किया है, या दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार हो जिसने 12,000 से ज्यादा कच्चे शिक्षकों को अपनी सरकार बनने के बाद पंजाब में पक्का किया है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि अपनी गंदी राजनीति बंद करो। चाहे बस मार्शल हो, चाहे दिल्ली के सब लोग हो, सबको पता है कि कच्चे कर्मचारियों को डंडे लाठियों से अगर कोई पीटता है तो वो भारतीय जनता पार्टी पीटती है। अगर कच्चे कर्मचारियों के संघर्ष में, बस मार्शल्स के संघर्ष में कोई कंधे से कंधा मिलाकर चलता है तो वो आम आदमी पार्टी है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी को एक चैलेंज देना चाहती हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करती हूं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार एक हफ्ते के अंदर अंदर इन बस मार्शल्स को पक्का करने का प्रस्ताव आपके एलजी साहब को पहुंचा देगी। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यह चैलेंज देती हूं कि वो उसके एक हफ्ते बाद उस प्रस्ताव को पक्का करवा दें और बस मार्शलों की नौकरी पक्की करवा दें। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति करी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो यही गंदी राजनीति बस मार्शल्स के साथ करेंगे। जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने कैबिनेट नोट बना के भेजा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने एलजी साहब से उसे साइन नहीं कराया। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब एक हफ्ते बाद दिल्ली सरकार ये प्रस्ताव भेजेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसे पास नहीं होने देगी, क्योंकि वो बस मार्शल्स के साथ सिर्फ गंदी राजनीति। तो अब बात करते हैं लखनऊ से एक और बड़ी खबर की। सीएम योगी की आज कैबिनेट बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे, नगर विकास पर्यटन समेत कई प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकते हैं। आपको बता दें कई अहम प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। सुबह 11 बजे लोकभवन में ये बैठक होगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। इस मीटिंग में नई शीरा नीति, लैंड यूज नीति 2024, उत्तर प्रदेश ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2024 संबंधी कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 2 से ज्यादा दर्जन प्रस्तावों पर कैबिनेट में आज चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें शिक्षा, आईटी और स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के प्रस्ताव भी इस मीटिंग में रखे जा सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज कैबिनेट की बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे लोकभवन में ये बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं बता दें कि नगर विकास और कुंभ मेला से भी संबंधित 15 से ज्यादा कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक करेंगे, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने की भी संभावना है, तो कौन कौन से ये प्रस्ताव हो सकते हैं? जी बिल्कुल प्रज्ञा, आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। 11 बजे से यह बैठक शुरू होगी और इस बैठक के बारे में अगर बात करें तो कई अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे, उस पर मुहर लगेगी। अगर बात करें प्रस्तावों की तो कृषि किसानों को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी इस बैठक में प्रस्ताव पास किए जाएंगे। इसके अलावा स्टाम्प पंजीयन पर भी कई प्रस्ताव पास होंगे। कुंभ मेला की तैयारियों और कुंभ मेला को भव्य ढंग से संपन्न कराने के लिए भी इसमें अहम प्रस्ताव पास किए जाएंगे। और जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से एक्टिव हैं, लगातार बैठक चल रही है, इससे पहले भी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए थे जो लोगों को फायदा पहुंचा सके। और आज की इस बैठक में जिस तरह से पूरी तैयारी है और जिस तरह से लोगों को इसका फायदा पहुंचाने की जो कवायद है, चाहे किसी किसानों को राहत। आसिफ, इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग को भी लेकर कुछ प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है, तो वो कौन कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं? और एक और प्रस्ताव है जिसका नाम है शीरा नीति, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपको? देखिए, अगर बात करें शिक्षा को लेकर तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए भी अहम प्रस्ताव पास होंगे। इसमें जो प्रस्ताव है, जिस शिक्षा की बात करें तो छात्रों के लिए और स्कूल कॉलेजों के लिए बेहतर जो है एक ढांचा तैयार करने की पूरी तैयारी है योगी सरकार की। सीरा को लेकर अगर बात करें तो इसमें जिस तरह से किसानों को काफी लाभ होगा, क्योंकि जिस तरह अगर बात करें चीनी मिलों की दुर्दशा में सुधार और चीनी मिलों की गुणवत्ता के लिए भी एक प्रस्ताव पास होगा जिससे किसानों को बड़ी राहत मिल सके और लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बैठक बुलाई है, काफी अहम बैठक है कैबिनेट की। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जितने भी कैबिनेट और राज्य मंत्री हैं वह मौजूद रहेंगे और एक मंत्रणा की जाएगी। इसके अलावा जिस तरह से कुंभ मेला को लेकर तैयारी की जा रही है, कुंभ मेले को भव्य बनाने के लिए भी पूरी योजना है, तो कहा जा सकता है कि आज की यह बैठक काफी अहम है और इसमें हजारों करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास होगा जिससे यूपी की जनता को इसका लाभ मिल सके। और जिस तरह से योगी सरकार लगातार जो है लोगों को लाभ पहुंचा रही है, साथ ही साथ जो योजनाएं हैं, जो प्रस्ताव है, जो अगर बात करें नगर विकास और पर्यटन को भी लेकर इस मीटिंग में बैठक होगी, जिसमें इस मीटिंग में उस प्रस्ताव को भी रखा जा सकता है, तो क्या लगता है कि अगर पर्यटन की बात की जाए तो पर्यटन के हिसाब से किस तरह के प्रस्ताव यहाँ रखे जा सकते हैं या जनता को उससे क्या लाभ हो सकता है? देखिए प्रज्ञा, अगर बात करें टैबलेट के प्रस्ताव की तो सूत्रों का यह कहना है कि करीब दो दर्जन अहम जो है फैसले लिए जाएंगे, चाहे किसी क्षेत्र का मामला हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र का मामला हो। और साथ ही साथ पर्यटन की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी इस प्रस्ताव में जो है मुहर लग सकती है, जिससे अगर पर्यटन की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से योगी सरकार कई योजनाएं चला रही है, इस योजनाओं को और आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन क्षेत्र में भी कई जो है बदलाव किए जाएंगे, इसको बढ़ावा देने के लिए कई रूपरेखा तैयार की गई है। तो जिस तरह से योगी सरकार अब पर्यटन हो या फिर किसानों को लाभ की बात हो या फिर बेरोजगारी देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से योगी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है और यही वजह है कि लगातार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मंथन भी करते रहते हैं। चाहे अगर बात करें तो कल ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मिले थे, कई प्रस्ताव और बैठकों को लेकर मंथन भी किया था, एक घंटे
पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई थी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की, साथ ही साथ कुंभ मेला को भव्य बनाने के लिए जेपी नड्डा से कल ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर मंथन किया था, और इस मंथन के बाद आज बिल्कुल आसिफ, अब ये देखना होगा कि आखिर ये किन किन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कल पीएम से मुलाकात की थी, उसके बाद आज ये कैबिनेट बैठक हो रही है, तो देखना ये होगा कि जनता को क्या क्या लाभ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी नसीम सोलंकी के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पीपीएन मार्केट के सामने परेड का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सीसामऊ विधानसभा की सीट हाजी मुस्ताक सोलंकी और इरफान सोलंकी की रही है। यहां की जनता वर्तमान प्रत्याशी नसीम सोलंकी को विजयी बनाकर जीत का हैट्रिक लगाएगी। और ये इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, तो यहाँ की जनता नसीम सोलंकी जी को जिताने का काम कर रही है। और नसीम सोलंकी इंडिया के प्रधान की प्रत्याशी है और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है। नसीम सोलंकी यहाँ के 13 नवंबर को जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों का चुनाव हो रहा है, उन पर इंडिया के प्रधान के 9 सीटों पर प्रत्याशी जीते। हमारा तो इंडिया के प्रधान से इंडिया के फंडन में जब के चुनाव होगा अधिकारियों को तो हमें तो उम्मीद है वहां के सीनियर अधिकारी अब बात करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि यूपी के रायबरेली से कांग्रेस सांसद देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं, वो इसलिए नए टूल किट बना रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड को तो उन्होंने लैंड माफिया तक कह दिया। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी, लेकिन कांग्रेस के कृतित्व का सपना पूरा नहीं होगा क्योंकि भारत के युवा जाग चुके हैं। गिरिराज सिंह ने आगे यह भी कहा कि म्यांमार फिलिस्तीन में भी कुछ होता है, इनके पेट में दर्द हो जाता है। जब हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे तो इनके पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। केंद्रीय मंत्री ने आगे और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। कभी म्यांमार में कुछ होता है तो पेट में दर्द होता है, फिलिस्तीनी में होता है तो पेट में दर्द होता है। जब हम कहते हैं हिंदू इकट्ठा रहे, बटोगे तो कटोगे, तो और पेट में दर्द होने लगता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब चुनाव में देश की जनता जगह जगह पर देगी, यूपी में भी देगी, बिहार में भी देगी, झारखंड में भी देगी, महाराष्ट्र में भी। देश में जब बांग्लादेश की घटना घटी थी, हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे, उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, सलमान खुर्शीद ने कहा था और भी कई नेताओं ने कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश की तरह होगा। मुझे लगता है वक्फ बोर्ड के नाम पर ये भारत में राहुल गांधी गृह युद्ध करवाना चाहते हैं।
और गृह युद्ध करवाने के लिए नए नए टूल किट बना रहे हैं और ये लेकिन ध्यान रखें, ये कांग्रेस के कुकृत राहुल गांधी का ये सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि भारत के युवा जग चुके हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, इसलिए वे स्वयं तनाव में हैं। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा कि भाजपा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के मंत्र के साथ लगातार काम कर रही है। अब तक देश ने प्रगति के इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि पूरी दुनिया में भारत को जो सम्मान 2014 से पहले नहीं मिला था वो हमने अर्जित किया है। इसलिए अखिलेश यादव उपचुनाव में 9 की 9 सीटें हार रहे हैं, जिस कारण वो बौखला गए हैं। जनता पूरी तरह से बीजेपी को जिताने का मन बना चुकी है। यूपी में उपचुनाव को लेकर वार पलटवार जो है वो लगातार जारी है। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। स्वयं गहरे तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस ने उनका साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो इसलिए वो स्वयं तनाव में। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश की बागडोर संभाले और अब तक देश ने प्रगति के इतने कीर्तिमान स्थापित किए हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 2014 से पहले भारत को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, जो पहचान मिलना चाहिए तो नहीं मिल पाता था, लेकिन आज वह स्थान, सम्मान, पहचान भारत ने अर्जित किया है। आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए दिन रात सभी सरकारें माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य कर रही हैं। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।